हेलो एवरीवन, वेलकम टू अमगेट। तो जैसे कि टेम्परेचर मेजरमेंट की बात कर रहे थे, टेम्परेचर मेजरमेंट में पहला टॉपिक डिस्कस किया था आरटीडी, सेकंड टेम्परेचर मेजरमेंट डिवाइस थर्मिस्टर के बारे में रीड किया था पिछले लेक्चर्स में। इस लेक्चर क्लास में डिस्कस करने वाले हैं आपका जो थर्ड टेम्परेचर मेजरिंग डिवाइस है, थर्मोकपल। तो आरटीडी के बारे में, थर्मिस्टर के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, अब बात करने वाले हैं थर्मोकपल की। थर्मोकपल इज अ टेम्परेचर सेंसिंग डिवाइस। टेम्परेचर सेंसिंग डिवाइस फीचर्स क्या है? इट इज एन एक्टिव ट्रांसड्यूसर। इट इज एन एक्टिव ट्रांसड्यूसर। थर्मोकपल बेस्ड ऑन थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर बेस्ड है आपका थर्मोकपल। थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है? थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जैसे कि कोई टेम्परेचर, कोई मेटल्स हैं, मेटल के बीच में यदि टेम्परेचर डिफरेंस है तो उस टेम्परेचर डिफरेंस के अकॉर्डिंग आपको एक वोल्टेज ईएमएफ मिलेगा या एक ईएमएफ जनरेट होता है। यही है आपका थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। डायरेक्ट कन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस टू इलेक्ट्रिकल वोल्टेज। तो टेम्परेचर डिफरेंस है उसको डायरेक्टली कन्वर्ट करता आपके वोल्टेज में, एंड वाइसी वर्सा। यदि वोल्टेज आपने अप्लाई किया तो टेम्परेचर डिफरेंस आपको क्रिएट कर देगा। थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यही है। थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बेसिस पर इससे रिलेटेड तीन इफेक्ट्स हैं। इसी के अंदर सीबेक इफेक्ट, सेकंड पेल्टियर इफेक्ट एंड थर्ड वन थॉमसन इफेक्ट। वन बाय वन डिस्कस करते हैं इनको। सीबेक इफेक्ट, जो थर्मोकपल है जनरली जो इफेक्ट यूज़ में करने वाले हैं गेट में, गेट से ओरिएंटेड सीबेक इफेक्ट। अब गेट 2019 में एक नंबर में क्वेश्चन पूछा हुआ है प्रिंसिपल या फिर इफेक्ट ऑफ थर्मोकपल, तो ऑप्शन था उसमें सीबेक इफेक्ट, तो यू हैव टू चूज सीबेक इफेक्ट। तो डिस्कस करते हैं वन बाय वन सीबेक इफेक्ट। फर्स्ट है सीबेक इफेक्ट। सीबेक इफेक्ट में क्या कि जैसे दो डिफरेंट टाइप के या दो अलग अलग प्रकार के आपने दो मेटल लिए, उनको कनेक्ट किया, दो डिफरेंट टाइप के मेटल लिए उनको कनेक्ट किया एक पॉइंट, जैसे मेजरिंग पॉइंट हुआ, सेकंड आपका हुआ हायर टेम्परेचर पॉइंट, या फिर जैसे ये दो मेटल्स हैं इनको कनेक्ट किया आपस में, ये टेम्परेचर T1, टेम्परेचर T2, ये मेटल A है, मेटल B, यहाँ आपको मेजर कर रहे हो वोल्टेज। तो होता क्या है, जो दो डिसिमिलर मेटल्स A एंड B आर कनेक्टेड इन सच अ वे डैट वन टर्मिनल या वन जंक्शन इज मेजरिंग जंक्शन एंड अदर वन इज हॉट जंक्शन। तो ये जो टर्मिनल्स हैं ये आपके हो जाएंगे हॉट टर्मिनल्स। इनमें जैसे ये टर्मिनल हॉट टर्मिनल हो जाएगा, टेम्परेचर हाई टेम्परेचर T1 एंड ये लो टेम्परेचर।
दिस विल बी लो टेम्परेचर। तो इनके टेम्परेचर डिफरेंस के कारण अब एक इनोट वोल्टेज डिफरेंस या जनरेट होगा, पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा और उसे मेजर कर लेंगे। यही प्रिंसिपल है सीबेक इफेक्ट का। और डिटेल पर कि सपोज ये हॉट सोर्स है, हॉट जंक्शन, ये कूल जंक्शन या कूल, पीएन या सेमीकंडक्टर डिवाइस, एन टाइप का मटेरियल, पी टाइप का मटेरियल, इलेक्ट्रॉन्स होल्स, तो होगा क्या, यदि अब इसे एक्सटर्नल सर्किट से कनेक्ट करते हैं रजिस्टर के थ्रू, तो इसमें आपको एक करंट फ्लो होगी, करंट आई इस डायरेक्शन में। यदि आप यहाँ रजिस्टर को हटा के इसके टर्मिनल्स पे वोल्टमीटर आप लगाते हो, तो आपको यहाँ कुछ पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल वोल्टेज आपको मिलेगा यदि रजिस्टर को हटा के वोल्टमीटर यदि आप लगाते हो। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है, हॉट सोर्स और कोल्ड जंक्शन जो है, हॉट जंक्शन या कोल्ड जंक्शन दोनों के टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से आपको एक वोल्टेज जनरेट हो रही है। व्हेन टू डिससिमिलर मैटर आर कनेक्टेड और जॉइन टुगेदर टू फॉर्म वन कोल्ड जंक्शन मेजरिंग जंक्शन एंड अनोदर हॉट जंक्शन, देन एन EMF विल प्रोड्यूस, देन एन EMF विल प्रोड्यूस विच इज प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस, सॉरी प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस, विच इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस। एक EMF जनरेट होगा जो कि प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर डिफरेंस के, दैट इज से इफेक्ट, सीबेक इफेक्ट। प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हैं तो आपको मिलता है S या फिर A, S है सीबेक कोफिशियंट, S क्या है सीबेक कोफिशियंट। अब ये जो वोल्टेज जनरेट हो रही है ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पीछे रीजन ये है कि जो डिफरेंट मेटल आपने यूज में लिया है तो इन डिफरेंट मेटल का जो एनर्जी लेवल्स हैं उनका ट्रांसमिशन या जो शिफ्टिंग होती है एनर्जी लेवल्स की शिफ्टिंग वो डिफरेंट होती है, डिफरेंट मेटल पर डिपेंड करती है, तो मेटल टू मेटल वो वेरी करती है। इसी वजह से जो आपका वोल्टेज डिफरेंस है या पोटेंशियल डिफरेंस है वो जनरेट हो रहा है, क्यों हो रहा है, इलेक्ट्रॉन जो लेवल्स है एनर्जी लेवल उनमें डिफरेंस के कारण। सीबेक इफेक्ट, अब जो इक्वेशन जो जनरेट होती है थर्मोकपल के लिए, ए कोफिशियंट ए डेल टी प्लस बी डेल टी का स्क्वायर प्लस सी डेल टी क्यूब, ए एन बी एन सी आर द कोफिशियंट्स ऑफ सीबेक कोफिशियंट्स, वैल्यूज ऑफ ए एंड बी एंड सी कोफिशियंट डिपेंड ऑन मेटल, मेटल कौन सा यूज कर रहे हो उस पर डिपेंड करती है। अब यहाँ से आप देख सकते हो क्लियरली कि ये जो इक्वेशन है नॉन लीनियर इक्वेशन, नॉन लीनियर इक्वेशन। सीबेक इफेक्ट की बात किया, होता क्या है सीबेक इफेक्ट में, दो डिसिमिलर मेटल आपने लिए, दोनों को कनेक्ट किया, एक हॉट जंक्शन और दूसरा मेजरिंग जंक्शन,
तो मेजरिंग जंक्शन पे जो वोल्टेज डेवलप होगा वो किस वजह से होगा, दोनों के टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से। इसके बाद बात करते हैं सेकंड इफेक्ट पेल्टियर इफेक्ट के। पेल्टियर इफेक्ट, ये इफेक्ट सीबेक इफेक्ट के जस्ट अपोजिट है, अपोजिट ऑफ, या इसे रिवर्स सीबेक इफेक्ट भी आप कह सकते हो, रिवर्स सीबेक इफेक्ट। रिवर्स सीबेक इफेक्ट कैसे है? आपने एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई किया है सर्किट में, और जो आपका थर्मोकपल सर्किट है उसमें आपने एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई किया, तो उस वजह से एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई करने पर आपको एक टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट होगा। टेम्परेचर डिफरेंस कि जैसे एक जो जंक्शन है वो टेम्परेचर को अब्जॉर्ब कर लेगा और एक जंक्शन टेम्परेचर को रिमूव कर देगा या फिर इवॉल्व कर देगा। When an EMF voltage is applied to thermocouple circuit, then temperature difference will create along the junctions. जो junctions हैं उनके across temperature difference आपका create हो जाएगा जब आपने external voltage source apply किया है, तो यही आपका Peltier effect। अब इसके बाद में जो last one है Thomson effect, थर्ड वन है थॉम्सन इफेक्ट। थॉम्सन इफेक्ट में क्या होता है कि जैसे जो मेटल्स हैं डिसिमिलर टाइप के मेटल्स हैं तो उनका टेम्परेचर ग्रेडियंट जो होगा वो भी डिफरेंट होगा। टेम्परेचर ग्रेडियंट डिफरेंट होने के साथ साथ सीबेक कोफिशिएंट है वो भी डिफरेंट होगा। तो डिफरेंस फॉर डिफरेंस मेटल फॉर डिफरेंट मेटल टेम्परेचर ग्रेडियंट विल बी डिफरेंट। टेम्परेचर ग्रेडियंट भी आपका डिफरेंट होगा एंड दस सीबेक कोफिशिएंट, सीबेक कोफिशिएंट विल ऑल्सो डिफरेंट। सीबेक कोफिशिएंट भी डिफरेंट होगा। तो इस सर्किटरी पर या फिर थर्मोकपल पर आप एक्सटर्नल जो करंट है, करंट फ्लो करवाएं, सर्किट से करंट फ्लो करवाएं, तो उस केस में क्या होगा, टेम्परेचर ग्रेडियंट होने की वजह से अलग अलग पोजीशन पे अलग अलग पेल्टियर इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा।
मतलब कि वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर आपको देखने को मिलेगा जब आपने करंट फ्लो करवाई मेटल ए मेटल बी के बीच में। तो टेम्परेचर डिफरेंस ये क्रिएट होगा अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर ग्रेडियंट जो कि डिपेंड करता है मेटल के ऊपर। तो ये हो गए तीनों इफेक्ट, हम थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो की बात करनी थी, तीनों इफेक्ट सीवेक इफेक्ट पेल्टियर इफेक्ट एंड लास्ट वन थॉमसन इफेक्ट। अब बात करते हैं कुछ रूल्स हैं थर्मोकपल के, तो उन रूल्स को डिस्कस करते हैं। रूल्स फॉर एनालिसिस थर्मोकपल सर्किट, थर्मोकपल सर्किट को एनालिसिस करने के लिए कुछ रूल्स हैं। पहला है लॉ ऑफ इंटरमीडिएट, लॉ ऑफ इंटरमीडिएट मेटल, लॉ ऑफ इंटरमीडिएट मेटल। लॉ ऑफ इंटरमीडिएट मेटल कहता है कि जो दो मेटल्स आपने यूज में लिए हैं ए और बी, यदि उन मेटल के बीच में एक तीसरा मेटल सी जिसका टेम्परेचर T3 है सपोज, यदि वो आपने ऐड कर दिया तो उस टेम्परेचर या फिर उस टेम्परेचर T3 के मेटल सी को ऐड करने से जो वोल्टेज जनरेट हो रहा था सर्किट में ए बी के द्वारा उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। समझिए ये मेटल ए था T1 टेम्परेचर इस जंक्शन का, ये मेटल बी है, ये मेटल सी मैंने कनेक्ट किया यहाँ टेम्परेचर T3, ये अगेन बी टेम्परेचर T2। ठीक है, तो जो वोल्टेज जनरेट हो रहा है E0 ए और बी के कारण, यदि इस सर्किट में सी मेटल टेम्परेचर T3 वाला इन्वॉल्व कर दें तो उसकी वजह से कोई इफेक्ट नहीं होने वाला। जो वोल्टेज E1 जैसे सपोज ग्रेडियंट या ए है, तो E1 होगा ए इंटू सेंसिटिविटी ए इंटू टेम्परेचर डिफरेंस T1 माइनस T3। यदि यहाँ A1 है तो ये हो जाएगा पार्ट माइनस ऑफ ए, एक में प्लस एक में माइनस, तो A2 विल बी माइनस ऑफ ए T3 माइनस ऑफ T2 T3 माइनस ऑफ T2। बाई KVL E विल बी E1 प्लस E2 एंड दिस विल ए T1 माइनस T3 प्लस टेम्परेचर डिफरेंस, ये प्लस T3 माइनस ऑफ T2, तो ये आंसर आएगा आपके पास T1 माइनस T2। जो वोल्टेज जनरेट हो रहा है E वो डिपेंड कर रहा है टेम्परेचर डिफरेंस T1 एंड T2 पे। T3 जो मेटल आपने एक्सटर्नल जो मेटल आपने अप्लाई किया है या फिर इंटरमीडिएट मेटल जो कनेक्ट किया है सी, उसका इफेक्ट नहीं है, उसका इफेक्ट नेग्लिजिबल है या उसका इफेक्ट अनकाउंटेबल है। तो ये आपका लॉ ऑफ इंटरमीडिएट मेटल। सेकेंड लॉ है लॉ ऑफ इंटरमीडिएट टेम्परेचर, लॉ ऑफ इंटरमीडिएट टेम्परेचर। लॉ ऑफ इंटरमीडिएट टेम्परेचर को समझिए, जैसे सपोज T1 टेम्परेचर ए, T2 टेम्परेचर, इनके वोल्टेज E1 है, एक कोर मेटल है जैसे ए
ये टी टू टेम्परेचर, ये है टी थ्री टेम्परेचर। यदि इन दोनों को एक साथ देखें, इसके कारण टेम्परेचर डिफरेंस टी वन टी टू के कारण वोल्टेज जनरेट हो रहा था ई वन, टेम्परेचर डिफरेंस टी वन टी टू, टी टू से टी थ्री के कारण जनरेट हो रहा था वोल्टेज ई टू, तो नेट जो सर्किट है थर्मोकपल का जो नेट जो सर्किट है यदि इन दोनों को ऐड कर दें ई वन प्लस ए टू तो देन दिस विल बी रिजल्ट ई एंड सेंसिटिविटी ऑफ दिस टी वन माइनस टी थ्री। मतलब कि जो अलग अलग जो टेम्परेचर है यदि दोनों को ऐड कर दें तो जो नेट इक्विवेलेंट है ई वन प्लस ई टू वो दोनों को एडिशन के इक्वल होगा, ई वन प्लस ई टू इक्वल्स टू ई। ये है लॉ ऑफ इंटरमीडिएट टेम्परेचर। तो अभी तक थर्मोकपल में डिस्कस किया है थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इफेक्ट में सीबैक इफेक्ट, पेल्टियर इफेक्ट एंड थॉमसन इफेक्ट। थॉमसन इफेक्ट के बाद में थर्मोकपल जो सर्किट है उसके कुछ लॉज हैं, इंटरमीडिएट मेटल इंटरमीडिएट टेम्परेचर दोनों को डिस्कस कर लिया। तो नेक्स्ट जो इसका पार्ट है आगे वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।